बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि रूह इंसानी बाद मौत भी जिंदा रहती है। मौत बदन के लिए है, रूह के लिए नहीं। बेवकूफों और जाहलों की दोस्ती दरअसल दुश्मनी होती है। आलम को हकीर समझना और बेहुर्मती करना सख्त गुनाह है। औरतों का घर से निकलना, खुसूसन तमाशा देखना नाजायज है और मर्दों का उसको जायज समझना बेगैरती है। विलादत अकदस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तमाम नेमतों की असल है। चांदी की अंगूठी तज़कीर आखरत के लिए जायज रखी गई है। सोना जन्नतियों का जेवर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को किसी दूसरे से शरफ हासिल नहीं हुआ, बल्कि दूसरों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से शरफ पाया है। हर अच्छाई मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की अता से है। फातिहा बेशक जायज है, ये मुसलमान मैयत को फायदा पहुंचाता है। अल्लाह ताला देने वाला और हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तकसीम करने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम काबले एहतराम कायदीन दुरूद भेजते हैं। किसी ने इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अगर कोई बूढ़ा मर्द जवान औरत से निकाह कर ले तो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बूढ़ा बैल सींग काटने से बछड़ा नहीं हो सकता। पराया माल चुरा लेना हराम और उसकी खुशी से ले लेना हलाल है। ऐसी बातों से बच जाओ जिनके बाद माफी मांगनी पड़े। कुरान अजीम की हर आयत हमेशा नूरो हदा की बरकतो शफा है। जो चीज जिस मकसद के लिए वक्फ है उसे बदल कर दूसरे मकसद के लिए कर देना रवा नहीं।